मछुआ सोसाइटी में राष्ट्रीय निषाद ज्योति शिक्षा परिषद के बैनर तले निषाद समाज बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मंडल एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अरुण मंडल शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत लोगों ने माला पहनाकर किया। मौके पर मंडल ने कहा कि हम लोगों में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण समाज केवल युवा वर्ग सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। इसलिए हमारी संस्था निषाद समाज में शिक्षा के विकास के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर स्कूल खोलने का कार्य करेगा, जिसमें निषाद समाज के बच्चे को शिक्षा से जोड़कर हर स्तर पर मजबूत किया जाएगा। भिंडर नगर में 2 दिवसीय गौशाला मेले का समापन हुआ। मेले में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एवं लोगों ने मेले में जमकर आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर गौशाला मेला समिति की ओर से कुश्ती प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस बार गौशाला मेला, यानी यूं कहें कि गौशाला मेले में बाहर से आए पहलवानों ने जमकर कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपना जोहर दिखाया। जयपुर के सांबरले कस्बे के राजकीय धर्म के मामले में हमारी न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। झारखंड में विश्व युवा केंद्र अभियान एवं करुणाकार संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर महाजनपट्टी में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसान सियाराम यादव ने की। मुख्य रूप से जिले के कई संस्था के सचिव सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को तय कर प्रभाग को बांटा गया। वहीं कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साहिबगंज के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। मौके पर कई संस्था के सचिव सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे। सांबर